search Digipo on YouTube. हिम्मत दिखाओ टिटीपो। दिखाता हूँ। चक्कर आ रहे हैं। या मैं ये कर सकता हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। तुम ये कर सकते हो टिटीपो। चूचू शहर में एक नई सुनहरी सुबह। तुम जा सकते हो। ठीक है, बाद में मिलता हूँ सर। वो देर क्यों कर रहा है? मैं आ गया मिस्टर हब। टिटीपो, तुम देर से आए हो। मैं देर से उठा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ। ठीक है टिटीपो, जल्दबाजी मत करना। जी मिस्टर हब। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। आज बहुत देर कर दी तुमने। टिटीपो, तुम इतनी देर कैसे लगा सकते हो? माफी चाहता हूँ, अब मैं चल रहा हूँ। आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा सर, ट्रेन आज लेट आई। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। जल्दबाजी में टिटीपो तेज दौड़ने लगा। अरे मोड़ आ गया। अरे नहीं, मैं पटरी से गिर रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ था ये? हम पटरी से उतरने वाले थे। हाँ, हम सब ठीक हैं। चलो शुक्र है, आप बिल्कुल मत डरिए, अब मैं चल रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया? मैं चल क्यों नहीं पा रहा? ना चल पाने की वजह से टिटीपो को टेओ के पास ठीक होने के लिए जाना पड़ा। मैं आ गया। टिटीपो, तुमने फिर से गलती की। यात्रियों को बैठाकर तुम मोड़ पर इस तरह इतना तेज क्यों दौड़े? माफी चाहता हूँ, देर हो गई थी इसलिए। लेकिन तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोबारा कभी नहीं करूँगा मिस्टर होब। देर हो गई है, जाओ आराम करो। ठीक है। हाँ, मैंने भी यही सुना था। अच्छा, टिटीपो आ गया। टिटीपो, हेलो, मैं आ गया। हमने सुना तुम गिरते गिरते बचे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है। टिटीपो बहुत उदास लग रहा है। मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा। मैंने भी। अगले दिन टिटीपो अपने उसी रूट पर चल पड़ा। सभी को हेलो। तुम तो आज टाइम पे हो। तुम्हारा शुक्रिया। तो ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। अब मैं ध्यान से जाऊंगा। हाँ, यही वो मोड़ है जहाँ मैं पटरी से गिरते गिरते बचा था। अचानक से क्यों रुक गए? माफी चाहता हूँ, बस थोड़ा सा डर गया था। ये क्या, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं। जिस जगह पर टिटीपो पटरी से गिरते गिरते बचा था, उस जगह पर पहुंचते ही उसका डर बढ़ गया। माफी चाहता हूँ, लेकिन आगे नहीं जा सकता। अरे ये क्या कह रहे हो टिटीपो? अभी तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा। टिटीपो फिर से टेओ के पास पहुंच गया। ये तो अजीब बात है, तुम्हें कोई खराबी नहीं है, फिर भी तुम चल क्यों नहीं पा रहे? मुझे बिल्कुल नहीं पता टियो, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ के नजदीक पहुंचा, मुझे डर लगने लगा और मेरे पहिए वहीं पर रुक गए। ओह अच्छा। सच कह रही हो तुम? वो अपने डर की वजह से उस मोड़ को पार नहीं कर पा रहा। हाँ, मैंने मिस्टर हब और टियो को बात करते हुए सुना था। हो सकता है, जब वो दिखा था ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था मुझे। कितना परेशान है बेचारा टिटीपो। क्या हम किसी भी तरह से टिटीपो की मदद नहीं कर सकते हैं?
मदद करने में टिटिपो सबसे अच्छा है। ओ, क्या कहना चाहती हो जीनी? एक बार जब मुझ पर धूल लग गई थी और मैं उदास थी, कितनी गंदी हो गई मैं। जीनी मेरी तरफ देखो। टिटिपो बस करो, मजाक की बात नहीं है। टिटिपो मुझे हंसा कर ही माना, उसने मेरा मूड ठीक कर दिया। हाँ, बहुत हसमुख है वो। एक बात बताओ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे एक नई रूट पर किसी अनजान जगह जाना था, उससे पहले की रात में डर रही थी। सिंग सिंग, जाओ जाओ सिंग सिंग, तुम सबसे अच्छी हो सिंग सिंग, सिंग सिंग, सिंग सिंग, तुम कर सकती हो सिंग सिंग, जाओ जाओ सिंग सिंग। टिटिपो ने उस दिन मेरा हौसला बढ़ाया और मैं अपना काम अच्छे से कर पाई। ओ, मैं भी कुछ बताता हूँ। बताओ ना। एक बार मैंने अपना सामान गलत जगह पर पहुँचा दिया था। ये सामान बंदरगाह जाना चाहिए था, ये सामान यहाँ का नहीं है। हाँ ठीक कहा, माफी चाहता हूँ। पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं बहुत उदास था। डीजल, चलो घूमने चलते हैं। जब मन उदास हो तो घूमने जाना चाहिए। घूमने के लिए? इस बार घूमने के लिए क्यों ना हम दूर जाएं? प्लीज। देर से लौटने पर मिस्टर हर्ब ने डांट लगाई थी हमें, लेकिन बहुत मजा आया था। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर टिटिपो के लिए कुछ ऐसा ही करें? हाँ, ये ठीक रहेगा, और कल तो हमारी छुट्टी भी है। बढ़िया। सुनो, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। टिटिपो, टिटिपो। अगला दिन शुरू हो चुका है। कल भी मुझे उसी मोड़ से होकर जाना है। ओह, डर लग रहा है। टिटिपो। हाँ? क्या हो रहा है? ओ? अरे दोस्तों, तुमने अपने चेहरे पर क्या किया है? अच्छा लगा, मजेदार है ना? तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे टिटिपो, इसीलिए हम तुम्हें हंसाना चाहते थे। सच में? शुक्रिया दोस्तों, अजीब लग रहे हो। अरे बस इतना ही नहीं है, हम सारे के सारे घूमने जा रहे हैं। घूमने? हाँ, दूर किसी जगह पर जाएंगे। चलो ना चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूर जाएंगे, लेकिन वापस आने में देर हो गई तो मिस्टर हब से डांट खानी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वाह, सिंग सिंग की वजह से इतनी तेज जा रहे हैं। हाँ, फूलों को देखो और खेत भी। मैं जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा। सुरंग आ गई। वाह, समुद्र को देखो। सुंदर लग रहा है। चलो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। वाह, बहुत मजा आ रहा है मुझे। मुझे भी, यहाँ की हवा कितनी ताजी है। दूर घूमने का तो मजा ही अलग है। सच में, फिर से शुक्रिया दोस्तों। टिटिपो, तुम भी हमें उदासी में ऐसे ही खुश करते हो। इतना तो हम अपने दोस्त के लिए कर ही सकते हैं। टिटिपो, अभी हमें एक और जगह जाना है। एक और जगह? बस पहुँचने ही वाले हैं। ओ, मेरे ख्याल से ये मेरे काम का रास्ता है। यही तो है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम इस मोड़ को पार नहीं कर पाते ना, तो हमने सोचा अगर साथ में जाएंगे तो तुम पार कर पाओगे। अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो टिटिपो, पहले मैं जाती हूँ। देखो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टिटिपो, तुम कोशिश तो करो। मान लो कि हम तुम्हारे डिब्बे हैं और हमें अपने साथ खींचो। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई तो? हमें तुम पर विश्वास है। बिल्कुल ठीक, कर सकते हो टिटिपो। जाओ जाओ टिटिपो, सबसे अच्छे टिटिपो, टिटिपो, टिटिपो। तुम भी ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। टिटिपो ने जीनी, डीजल और सिंग सिंग को डब्बों की तरह जोड़ लिया। हिम्मत दिखाओ टिटिपो। दिखाता हूँ।
मैंने कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया। बधाई हो टीटी पो। कहा था ना, हम जानते थे तुम कर सकते हो। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। अगले दिन टीटी पो उसी रास्ते पर काम कर रहा है। अब मैं चल रहा हूँ। आ गया वो, वही मोड़। डर लग रहा है, मैं इसे पार कर सकता हूँ। हिम्मत दिखाओ टीटी पो। कर सकते हो टीटी पो, जाओ जाओ टीटी पो, तुम सबसे अच्छी टीटी पो, टीटी पो, टीटी पो। हाँ टीटी पो, तुम ये कर सकते हो। या वाह, मैंने कर दिखाया। हाँ, क्या कर लिया तुमने? आज काफी खुश लग रहे हो टीटी पो। हाँ, आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। अपने दोस्तों की मदद से टीटी पो ने अपना खोया आत्मविश्वास वापस पा लिया। शुक्रिया दोस्तों। सेटर बीमार है। सुबह का समय है और लोको काम पर जाने की जल्दी में है। लगा दिया। हाय सेटर। हाय लोको, आज तुम बंदरगाह जाओगे? हाँ। तुम्हारी माल बोगी तैयार है। शुक्रिया सेटर, वापस आकर मिलता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। लगता है सब चले गए हैं। ठीक है, अब सारे डब्बों को ठीक से लगा देता हूँ। ठीक है, हो गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे नहीं, आज मैं देर से उठा। ओ? मुझे देर हो गई। टीटी पो। हेलो सेटर। हाय, कैसे हो? शायद देर हो गई इसे। ये मेरे हैं? अरे रुको। तुम एरिक के डिब्बे ले जा रहे हो? अच्छा, अब मैं क्या करूं? मेरा काम शुरू होने वाला है। रुको, मैं ढूंढ देता हूँ। लो, मैं ले आया। शुक्रिया सेटर। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। आराम से जाना। ठीक है, बाय। अब तो सब चले गए। अब मुझे दोबारा इन्हें जोड़ना होगा। ठीक है, काम शुरू करता हूँ। लग गया, काम पूरा हुआ। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाय सेटर। ओ, मैं काम करके आ गई। मैं भी, काम जल्दी खत्म हो गया। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हाँ, चलो चलकर आराम करें। ठीक है। तुम्हारा दिन अच्छा बीते सेटर। शुक्रिया। अरे मेरे लिए तो रुको जीनी। सब अपने डिब्बे छोड़कर चले जाते हैं। चलो पहले इन डिब्बों को धो लेता हूँ। इन्हें धोने के बाद मैं आखिरकार ब्रेक ले पाऊंगा। बस होने ही वाला है। ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल भी चल ही नहीं पा रहा हूँ। फिक्स सेटर को ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट ले जा रहा है। टियो, एक दुर्घटना हो गई है। पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम चल ही नहीं पा रहा था। ओह, सच में? ठीक है, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। सेटर? हाँ? तुम्हारे इंजन में कुछ खराबी आ गई है। तो क्या ठीक नहीं किया जा सकता मुझे? हाँ, लेकिन अभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट्स आने में कुछ दिन लग जाएंगे। दिन? अरे नहीं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो डिपो में सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा। बिखरे या संभले, तुम्हें आराम करना होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस शाम मिस्टर हर्ब ने छोटी रेलगाड़ियों को एक साथ बुलाया। पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता। सही कहा। तो सब यहाँ आ गए हैं ना? मेरे पास एक बुरी खबर है, सेटर बीमार है, काम नहीं कर सकता। सेटर ज्यादा ही बीमार हो गया है शायद। कितना बुरा हुआ। हाँ। लेकिन दोस्तों, आखिर सेटर इतना बीमार कैसे हो गया? पता नहीं, उसे तो हमारी तरह काम पर नहीं जाना पड़ता। हाँ। कुछ दिनों के लिए मैं चाहता हूँ सेटर का काम आप में से कोई करे। मैं तैयार हूँ।
सामान खींचने से तो आसान ही है ये काम। मैं भी तैयार हूँ, मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी मिस्टर हब, हम संभाल लेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुम पर विश्वास है। जी सर। अगला दिन टीटीपो सेटर का काम करने के लिए आया है। काम पूरा करके आराम करूँगा। टीटीपो। ओ। हेलो। गुड मॉर्निंग मैनी, एक सेकंड रुको। ले आया, ये लो, ये रहे तुम्हारे डिब्बे। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो, तुम सेटर जैसा काम कर रहे हो। काम ज्यादा मुश्किल नहीं। बाय, बाद में मिलेंगे। बाय बाय मैनी। टीटीपो। हेलो, मेरी माल बोगी ले आओगे प्लीज? जरूर, बस अभी लाया। काम पूरा हुआ, मैं जानता था इतनी मुश्किल नहीं होगी। झपकी ले लेता हूँ, सेटर किस्मत वाला है। टीटीपो। ओ, जी मिस्टर हब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बर्नी और मैनी कह रहे हैं उनके डिब्बे बदल गए हैं, एक बार देखोगे जरा? बदल गए? सच में? जरूर, मैं जाकर देखता हूँ। टीटीपो तेजी से बर्नी और मैनी के पास पहुँचा। तुम्हारे पास सच में गलत डिब्बे आ गए, माफी चाहता हूँ बर्नी। इस सब चक्कर में मुझे देर हो गई। माफी चाहता हूँ। सेटर कभी गलती नहीं करता था। मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ अभी। सेटर हमेशा जल्दी से डिब्बे निकाल लाता था तो मुझे लगा ये आसान काम होगा, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। टीटीपो, टीटीपो। दोपहर का समय और जीनी डीपो को संभालने में लगी है। इन्हें अलग रखने के बाद मेरा काम खत्म। जीनी। हेलो। ठीक से संभाल पा रही हो? हाँ, मुश्किल नहीं है। चलो अच्छा है। तो तुम काम करती रहो। ठीक है, बाय। अच्छे से काम करना। अपने डिब्बे ऐसे ही छोड़कर चले गए। काम खत्म ही नहीं हो रहा। तुम्हारा दिन अच्छा बीते सेटर। हाँ बिल्कुल। सब डिब्बे छोड़कर चले जाते हैं। मैं भी सेटर का काम मुश्किल बनाती थी। डीजल गंदे डिब्बों को ट्रेन वॉश में साफ कर रहा है। कितना काम है। ये अपने डिब्बों को खुद क्यों नहीं साफ करते हैं? अब मैं जल्दी से जाकर गाड़ी नेक्स्ट देखूंगा। डीजल, तुम्हारे डिब्बे इतने गंदे क्यों रहते हैं? क्या गंदे तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से तो साफ है। चलो अब मैं जा रहा हूँ गार्डियन एक्स देखने। मैं भी तो अपने डिब्बे बिना साफ किए छोड़ देता था। मिस्टर हर्ब ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट में है। टियो। ओ, हेलो मिस्टर हर्ब। हेलो, काम में लगे हो? सेटर अब कैसा है? पुर्जों के आने तक उसे आराम करना होगा। बाकी रेल कैसा काम कर रही है सर? बिना सेटर के सब गड़बड़ा गया है। काफी परेशानी है। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे सेटर काम पर वापस चाहिए। हेलो सेटर। ओ, कैसे हैं मिस्टर हर्ब? अब पहले से बेहतर हो? हाँ, मेरे बिना सबको बहुत मुश्किल हो रही होगी ना सर। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये परेशान होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, आराम करो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बिना सब सही से काम कर रहे होंगे। वाव, मैं आ गया। वाव, यहाँ सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है। हेलो सेटर। अब तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है सेटर। क्या, हम ये काम आराम से संभाल सकते हैं। हाँ, सही कहा। मेरी जरूरत नहीं है। अरे नहीं सेटर, बताओ क्या हुआ? प्लीज थियो, किसी भी तरह मुझे जल्दी से ठीक कर सकते हो? काश ये मेरे हाथ में होता सेटर। टियो, तुमने जो पार्ट्स मंगवाए थे लाया हूँ। सच में? लेकिन तुमने कहा था इसमें तो वक्त लगेगा। जितना सोचा था उससे जल्दी आ गए। वाव, ये हुई ना बात। प्लीज अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो टियो। ठीक है, अभी कर देता हूँ। डीपो के काम में छोटी रेलगाड़ियाँ रात तक लगी रहीं। जीनी, अब हम सो सकते हैं? अभी
भी नहीं, बहुत से डिब्बे संभालने बाकी है। टिटिपो, जीनी, सारे डिब्बे धो दिए। अभी नहीं, बहुत से डिब्बे हैं जिन्हें धोना बाकी है। डीजल, क्या बहुत से बाकी हैं? अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, बहुत काम कर लिया। मुझसे भी, जितना भी संभाल लो काम खत्म ही नहीं हो रहा। सेटर इतना काम अकेले कैसे कर लेता है? मैं चाहता हूँ कि सेटर जल्दी वापस आ जाए। मैं भी। हे दोस्तों, देखो कौन आया है। सेटर, तुम ठीक होकर वापस आ गए, चलो शुक्र है। हाँ, यहाँ का ऐसा हाल कैसे? जानती हूँ, माफी चाहते हैं सेटर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल और ज्यादा है। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। सबसे पहले इस तरफ से ठीक करते हैं। जरूर, मिलकर करते हैं। सेटर के साथ छोटी रेलगाड़ियों ने भी डीको को संभालने में बहुत मेहनत की। काम पूरा हो गया। सेटर, तुम कमाल के हो। अब सब तरीके से लग गया, तुमसे अच्छा कोई नहीं सेटर। शुक्रिया सेटर, सच कह रही हूँ, माफी चाहती हूँ। माफी चाहती हो? अपने डिब्बे ऐसे ही छोड़कर चले जाने के लिए। मैं भी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा काम इतना मुश्किल है, माफी चाहता हूँ सेटर। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोग समझ तो गए। सेटर, ये बताओ कि तुम काम पर आकर उदास तो नहीं हो? उदास? भला मैं किस बात पे उदास होऊंगा? मुझे लगता है मेरा काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है। लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब से मैं अपने डिब्बे तरीके से रख कर जाऊंगी। मैं भी। और मैं अपने डिब्बे देने से पहले हमेशा उन्हें धोया करूंगा, हालांकि ये बहुत परेशानी की बात है। परेशानी? छोटी रेलगाड़ियां खुश हैं कि सेटर वापस आ गया। स्वागत है सेटर। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो, डीजल आ गया। डीजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में? तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था, हुआ कुछ यूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओह, आ गए तुम, कमाल की रेल, डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल जाओ, चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। हाँ? जरूर वही मशहूर डीजल होगे तुम, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है, तो लोड करता हूँ। ये दो, ये तीन, लो हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। ओ, मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। आ, मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे, मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ, आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुककर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए।
मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं? क्यों नहीं, जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हों तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो। हाय जीनी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। मुझे नींद आ रही है। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतने धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे झपकी आ गई होगी। टीटीपो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। मेरे सर में चक्का ही लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टीटीपो। हाय दोस्तों, क्या बात है? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टीटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या? डीजल, एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए। कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे। आए, आद दो और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे।
हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है। मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ। अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ। जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। चीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। ओ हंस क्यों रही हो? मॉम, उस रेल को देखिए, कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, इसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं ऐसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। और वो रास्ता भूल गई। ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सीगल, इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटीपा। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे।